गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं मेरी हिंदी हैंडराइटिंग की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, हमने हिंदी के लेटर्स में ओ तक हमने सभी लेटर्स कर लिए थे, तो आज हम जो हमारे इनको जो हम कर रहे हैं इनको स्वर बोलते हैं। तो अभी हम इनके जो स्वर हम ये जो कर रहे हैं इनमें से तीन अभी हमारे रहते हैं, तो आज हम तीन उनको कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद जो व्यंजन जो रहते हैं जैसे क ख ग, उनके हम तीन या दो हम आपको आगे करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अभी हम औ बनाएंगे। तो औ बनाने के लिए आपको जैसे हमने ओ बनाया था ऐसे आपको टू सेमी सर्कल को आपको ज्वाइन करना है, ऐसे इस तरीके से जोड़ना है। खड़ी रेखाओं का आपको प्रयोग करना है और दो मात्राएं आपको इस तरीके से लगानी है। उसके बाद में शिरोरेखा आपको ऊपर लगा देनी है। तो ये बन जाता है हमारा औ। उसके बाद अंग बनाएंगे हम ऐसे ही, इसी तरीके से आपको प्रोसेस लेके चलना है। कुछ इसके अंदर आपको अलग से नहीं करना है। उसके बाद एक डॉट लगा देंगे ऊपर। उसके बाद हम अह बनाएंगे, ये प्रोसेस लेके चलेंगे। बच्चों, ये हम आपको पहले सिखा चुके हैं, मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से आपको बेसिक बताकर आपको लेटर्स बनाने अक्षर बनाने हम मैंने आपको बताए थे। तो आप पीछे पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। और अभी हम सिर्फ नोटबुक में आपको लिखना बता रहे हैं कि नोटबुक में आपको किस तरीके से लिखना है। उसके बाद हम बनाएंगे क और ख। कुछ अलग नहीं है, आपको जो मैं पिछली वीडियोस में जिस तरीके से करवा चुकी हूँ आपको सेम इसी तरीके से आपको नोटबुक के अंदर ऐसे लिखना है। उसके बाद ख बनाएंगे, ये देखिए कर्व लाइन का आपको उपयोग करना है यहाँ से ऊपर, उसके बाद राउंड, फिर उसके बाद ऊपर और फिर नीचे। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसान तरीके से जो पांच जो अक्षर हैं आज हमने बना लिए हैं। और अगली कक्षा में हम पांच अक्षर आपको और सिखाएंगे, तो उसके लिए आप अपने नोटबुक और पेंसिल लेकर हमेशा तैयार रहिएगा और मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।